दोस्तों, अगर आपका बजट 8,000 रुपये है और अगर आपके पास 8,000 रुपये हैं और आप 8,000 रुपये की कीमत में एक अच्छा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं, यानी कि आप सोचते हैं कि आपको 8,000 रुपये की कीमत में एक ज़बरदस्त फ़ोन मिल जाए, यानी कि आप लोगों को एक बड़ी बैटरी मिल जाए, एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाए और एक आप लोगों को अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन मिल जाए 8,000 रुपये की कीमत में, तो एक ऐसा फ़ोन आप ख़रीद सकते हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊँगा एक बढ़िया सा फ़ोन जो कि आप लोगों को टॉप 3 की लिस्ट में आप लोगों को मिलेगा। टॉप 3 बेस्ट फ़ोन मैं आप लोगों को बताऊंगा अंडर 8,000 की रेंज में, और आप इन तीनों फ़ोन्स में से एक फ़ोन ज़रूर लेना चाहेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आप लोगों को टॉप 3 बेस्ट फ़ोन। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हम अपने तीसरे फ़ोन से स्टार्ट करेंगे, और अगर हम तीसरे फ़ोन से स्टार्ट करें तो हमारा Realme की तरफ से आने वाला Realme 3i एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है जो आप लोगों को कम प्राइस सेगमेंट में अच्छे फीचर्स देता है। यानी कि अगर आपका बजट 8,000 रुपये की कीमत है तो उसके अंडर आप लोगों को Realme 3i एक अच्छा प्रोसेसर वाला फ़ोन मिल जाता है, जहाँ पर अगर आपको गेमिंग करनी हो या फिर आपको करना हो कोई मल्टीटास्क वर्क, तो एंट्री लेवल में ये सबसे बेस्ट फ़ोन मुझे लगता है जो कि आप लोगों को अंडर 8,000 की रेंज में मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और परफॉर्मेंस। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को MediaTek Helio P63 प्रोसेसर मिलता है, 3 GB रैम और 32 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहाँ पर अगर देखा जाए तो MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है वो आपको इसमें मिलता है। आपको गेमिंग करनी हो या फिर आपको करना है कोई एनी अदर वर्क, वो आपको इसमें कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.2 इंच की HD डिस्प्ले आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलती है 270 PPI डेंसिटी के साथ, जो कि एक IPS LCD होती है। आप लोगों को बेजल्स बहुत ही पतले देखने को इसमें मिलते हैं, ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है। बैक से भी आप लोगों को फ़ोन देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप लोगों को 13+2 MP का कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, जो कि आप लोगों को रियर में मिलता है, और 13 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। दोनों ही तरफ से आप बढ़िया और अच्छी क्वालिटी की पिक्स ले पाते हैं। बैटरी की यहाँ पर अगर बात करें तो 4230 mAh की आप लोगों को बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बैटरी मानी जाती है कि 4000 mAh की बैटरी है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 7,900 रुपये की कीमत में आप लोगों को मिलता है। अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग प्राइस मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं। अब अगर इस फ़ोन की बात करें तो इस फ़ोन में आप लोगों को एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, साथ ही साथ एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है। रियर से भी आप अच्छे फ़ोटो ले पाते हैं और फ्रंट से भी। आप लोगों को एक ज़बरदस्त प्रोसेसर मिलता है जो कि P60 प्रोसेसर होता है। यहाँ पर आप लोगों को 6.2 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एंट्री लेवल में HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। प्राइस भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, तो देखा जाए तो एक अच्छा फ़ोन है, एक बढ़िया फ़ोन है। आप लोगों को फ़ोन मिल जाता है अच्छी प्राइस सेगमेंट में और बढ़िया फीचर्स के साथ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे फ़ोन की तरफ। अगर दूसरे फ़ोन की बात करें तो ये अंडर 7,000 की भी रेंज में आता है और अंडर 8,000 की रेंज में भी आता है। इस फ़ोन की हम बात करेंगे Infinix Hot 8, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है जिसमें आप लोगों को एक ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है, ज़बरदस्त आप लोगों को मिलती है डिस्प्ले जो कि बड़ी होती है, और आप लोगों को एक बड़ी बैटरी भी मिलती है देखने को। फ़ोन देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बैक से भी और फ्रंट से भी, और प्राइस भी आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। यहाँ पर अगर Infinix Hot 8 की बात करें तो ऑक्टा कोर 2 GHz का आप लोगों को MediaTek Helio P22 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 GB रैम और 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है। जहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों को तो 6.5 इंच की HD डिस्प्ले देखने को मिलती है 269 PPI डेंसिटी के साथ, जो कि एक IPS LCD पैनल होता है। कैमरे की बात करें तो 13+2 MP का आप लोगों को कैमरा मिलता है, क्वाड LED फ्लैश आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है। बैक से भी आप लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा फ़ोन लगता है, 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी आप लोगों को देखने को मिलती है। फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त देखने को लगता है। यहाँ पर आप लोगों को बेजल्स बहुत ही पतले मिलते हैं, ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है,
अब अगर इस फ़ोन की बात करें प्राइस की, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्राइस मिल जाती है यहाँ पर। 6,999 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है, और एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है ये। यहाँ पर अगर बात करें इस फ़ोन की, तो आप लोगों को इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही साथ एक अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रीमियम फ़ोन फील होता है। साथ ही साथ आप लोगों को इस फ़ोन में जो देखने को चीज़ मिलती है वो है इसकी डिस्प्ले। 6.5 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। प्रोसेसर भी अच्छा मिल जाता है। प्राइस तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 7000 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अपने बहुत ही अच्छे फ़ोन जो कि आता है रेडमी की तरफ से। शाओमी का रेडमी 8A एक बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब फ़ोन है, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्राइस सेगमेंट और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 1.9 गिग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर मिलता है, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है और लेटेस्ट प्रोसेसर है। 2GB रैम और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 6.2 इंच की एक HD डिस्प्ले मिलती 270 PPI डेंसिटी के साथ, जो कि IPS LCD होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए इस फ़ोन में, तो आप लोगों को यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले या वी शेप नॉच डिस्प्ले बोल सकते हैं, जो कि अक्सर रेडमी यूज़ करता है। वैसे बाकी फ़ोन्स में तो यू शेप यूज़ किया है, और मोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं। बैक से भी देखने में ठीक ठाक फ़ोन लगता है। आपके तो 12 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है रियर में, और 8 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट में। बैटरी की यहाँ पर बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। USB टाइप सी पॉर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। एक प्रीमियम फ़ोन बन जाता है USB टाइप सी पॉर्ट जैसे ऑप्शन और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलने से। अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो ये आप लोगों को 6,999 रुपये की कीमत में और 7,777 रुपये की कीमत में अलग अलग प्राइस और अलग अलग वेबसाइट्स पे प्राइस देखने को मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को जो खास खास चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि USB टाइप सी पोर्ट जैसा ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल रहा है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है आप लोगों को, 6.2 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, और एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 439 का, एक 32GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिल रहा है, ये भी एक प्रॉज है इसका। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है इन सारी खूबियों के साथ। मैंने आप लोगों को टॉप 3 बेस्ट फ़ोन बताए हैं अंडर 8000 की रेंज में, अगर आप एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं तो। और इन तीनों फ़ोन्स में से आप एक फ़ोन चूज़ करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा लेने को जा रहे हैं, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं इस वक्त फ़ोन, वो भी मुझे बता दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय।